तहसीन सर के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। धातु और अधातु का यह दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और आज के इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में केवल VVI क्वेश्चन ही शामिल किया गया है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली क्वेश्चन कह रहा है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है। तो वो ब्रोमीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल्डर कहते हैं। जो सोल्डर हम लोग मोबाइल वोबाइल का टाका वका छूट जाता है, तो वो जो हम लोग जो एक वायर लेते हैं और हीटर से पिघला करके जो लगाते हैं, वही जो वायर जो बनता है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु से ही बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इन सब में से कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ जो है ऑप्शन डी लिखा चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में जो है सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन है? तो वो श्वेत फॉस्फोरस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? यानी विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अब इनमें से जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ये पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे यानी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम ही है। तो इनमें से भी सबसे पोटेशियम ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के निम्न में से क्या मिलाया जाता है? यानी वल्कनीकरण की प्रक्रिया में जो है रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो उसके साथ क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? यानी 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 32, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, किसी तत्व के गुणधर्मों का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? जब कोई भी तत्व का गुणधर्म जो है 2 या 2 से अधिक रूप में प्रस्तुत करेंगे तो उसको क्या कहलाता है? अपरूपता कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, धातुओं की प्रकृति होती है, तो ये सब जानता है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का पतली परत चढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस यौगिक को जो है गर्म करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं? तो वो जिप्सम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो इस क्रम में कौन सही है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। यानी सबसे अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, तब फेरस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38,
एक्वारेजिया यानी रॉयल जेल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, यानी जो एक्वारेजिया रहता है उसमें क्या क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो वो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो अपने शुद्ध रूप में जो है धातु की सतह चमकीला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमकदार। क्वेश्चन नंबर 40, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, यानी धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, यानी कोई भी धातु को पीट कर हम चादर जो बनाते हैं उसको, उस गुण को क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तन्य धातु होती है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो वो सोना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना को यानी खींच कर हम 2 किलोमीटर तक का लंबा तार बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, यानी इनमें से जो है अधातु है और वो चमकीला है, तो कौन है, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है लेकिन अधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा होता है, डायमंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को कहते हैं, तो एथोडीकरण कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी लोहे का जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी भी सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, 2n² होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम की संयोजकता क्या है, तो सोडियम की संयोजकता 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब कैसे होता है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2, 8 उसके बाद 1 बचा, 8, 2, 10, 1, लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही मतलब उसका वैलेंसी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।